में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में वीरंगनाओं का धरना, उस पर चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सहमति बन गई, सिर्फ एक मांग एक वीरंगना के देवर को नौकरी देने की बची है। यहाँ वस्तुस्थिति जानने के लिए विधायकों का एक दल अभी यहाँ आया है। हमने सारी स्थिति मानी है और देखी है, इससे बड़ा कलंक कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार के मंत्री घोषणाएं करें उस समय घोषणाएं करें जब शहीद की चिता धू धू कर जल रही हो, और उसके बाद मुकर जाए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि गृह राज्य मंत्री पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उन शहीदों की शहादत के लिए कहे कि ये तो एक दुर्घटना थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इस धरने के साथ है, हम पुरजोर तरीके से इस बात को आगे उठाएंगे। सरकार के मंत्री, सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री, सरकार के प्रतिनिधि हाल ही में धरने वालों से मिलके गए, क्या देखिए किसी से मिलना और लिप सिंपैथी देने से काम नहीं चलेगा। आज इन्होंने अपना सुहाग खोया है, आज इनके परिवार के सामने आर्थिक संकट गहराया हुआ है, इनका सम्मान करना चाहिए। इन्होंने इनको इनके त्याग पर और शहीद के बलिदान पर सहयोग करना चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर जो पैकेज सरकार ने घोषणा की, मंत्रिमंडल जो संयुक्त दायित्व से काम करता है, एक मंत्री की घोषणा, पूरे मंत्रिमंडल की घोषणा, उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। और सरकार पूरा नहीं करेंगे तो हम सरकार की ईंट से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। अगर किसी नेता का जन्मदिन किसी उनके प्रशंसक मनाते हैं तो कोई भेजा बात नहीं। वसुंधरा जी दो बार राज्य की मुख्यमंत्री रही, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से उनका जन्मदिवस अगर मनाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत बात। आप लोग कश्मकश में नहीं होंगे कि कोई कश्मकश में के नहीं, परंतु विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा के अंदर विधायकों का रहना जरूरी रहता है, क्यों हम प्रतिपक्ष में, ये बात जरूर है। बाकी वसुंधरा जी के जन्मदिवस के साथ विरोध नहीं है, हमारा किसी का विरोध नहीं है।